मेरे पास सस्ता पैसा, मैं खिलाऊंगा। क्या खिलाओगे? जो आप बोल रहे हो सब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं और फिलहाल नहा धो के रेडी हो गए हैं, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं वापस हल्द्वानी। हम शूट पे आए थे ना मनाली, तो 3 दिन का शूट कंप्लीट हो चुका है, तो आज जा रहे हैं वापस हल्द्वानी। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, बिकॉज हल्द्वानी तो पहुँच नहीं पाएंगे, बिकॉज अराउंड 16-17 घंटे की ड्राइव है। तो शायद आज भी हम चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ रुकेंगे और फिर चंडीगढ़ से निकलेंगे कल हल्द्वानी के लिए। तो यही प्लान है, शायद चंडीगढ़ जाएंगे आज। तो हाँ, देखते हैं, फिलहाल निकलते हैं। मैं रेडी हो गया, मम्मी रेडी होगी, साहिल, लेकिन कुनाली सो रहा है अभी। कुनाली पहले ही मेरे को तैयार कर दिया, मतलब पहले मेरे को ही तैयार कर दिया। अच्छा, तैयार कर दिया मतलब? पहले नहा धो के कपड़े डाल लिए उसने, दूध पी लिया, दवाई ले ली, और फिर दोबारा सो गया। अच्छा, नहा लिया? तो मम्मी जी ने उठ के कुनाली को भी अच्छे से रेडी कर दिया, बस वो सो रहा है। नहा लिया उसने, रेडी रेडी हो गया सब, बस अब सो रहा है। उसको उठा के ले चलेंगे सीधा गाड़ी में। गाइस 3 दिन से मनाली, मेरा पता नहीं चला 3 दिन कैसे निकल गए शूट में। तो अब सारा सामान डालते हैं और निकलते हैं, सारा आ जाएगा, सारा। लेकिन एक टेंशन हो रही है, कुनाली को उल्टी ना हो जाए, बिकॉज आते हुए कुनाली को बहुत ज़्यादा उल्टी हो गई थी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। इसको हमने उल्टी की दवाई तो दे दी है, तो होपफुली उल्टी ना हो अब की बार। आराम से लाऊँ गाड़ी, ठीक है? वहाँ आज चलेंगे ना, आज चलेंगे गेम खेलने, ठीक है? मॉल में चलेंगे आज मॉल चलेंगे। तो कुनाली को मैंने प्रॉमिस किया है कि तेरे को मॉल ले जाऊँ, क्योंकि कुनाली कभी मॉल नहीं गया गेम खेलने के लिए। तो आज इसको फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में गेम खिलाएंगे, ठीक है, मॉल में ले आके। इसकी हालत इतनी इतनी ख़राब हो जाती है ना, फिर देखा नहीं आता मुझसे, बड़ी बड़ी गाड़ी रोकनी पड़ती है, रोन लग जाता है। तो यहाँ से चंडीगढ़ का रास्ता है अराउंड 8-9-10 घंटे का, तो आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम मनाली में 3 दिन से हैं, लेकिन खुद से कुछ भी घूम नहीं पाए। जहाँ भी गए शूट के लिए गए थे, तो फॉर्चुनर अपनी ऐसी की ऐसी खड़ी थी यहाँ पे, बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई। जल्दी ही दोबारा ट्रिप प्लान करता हूँ और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। मस्त जगह यार मनाली, मज़ा आ गया मेरे को तो। चलो, अजीब सा तो नहीं लग रहा, सही लग रहा है, चले चलो भाई। तो फिलहाल निकलते हैं, साहिल और पीयूष तो गए इनोवा में, बाकी हम फॉर्चुनर में जा रहे हैं। तो गाइस पूरे 8 बज गए, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से 300 किलोमीटर, तो दिखा रहे हैं 7.5 घंटे, तो अराउंड 9 घंटे लग जाएंगे हमको। तो सामने इनोवा, इसमें पीयूष, साहिल, दिव्यांश, इसमें, तो चलो चले, लेट्स गो। तो गाइस सामने देखो, हॉट एयर बैलून उड़ रहा है, क्या उड़ गया है, उड़ रहा है, और कितना प्यारा लग रहा है, देखो उड़ गया उड़ गया उड़ गया, कितना प्यारा लग रहा है। ये करेंगे यार नेक्स्ट टाइम। गाइस मनाली में ना ऐसे ही बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, इस तरह से ये और भी बहुत कुछ है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि अभी शूट पे आए थे ना। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे अच्छे टाइम निकाल के 10-15 दिन के लिए, तब मस्त आप सब कुछ करेंगे। अभी तो लेट हो रहा है, अभी तो जाना है सीधा हल्द्वानी हमको, और विनीत भाई की फ्लाइट भी है मुंबई की, तो जल्दी से चंडीगढ़ पहुँचना है हमको अभी तो। तो अभी गाइस 1 घंटे से ड्राइव कर रहा हूँ, फिलहाल रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बिकॉज सुबह कुछ खा के नहीं आया ना, तो हमने परांठे पैक करा लिए थे वहीं से होटल से, तो यहीं गाड़ी में बैठ के परांठे खाते हैं, मस्त अचार पराठा खाते हैं। तो अभी कुनाल भी खा रहा है परांठा, मम्मी जी खिला रही है इसको, खिलाना पड़ता है यार इसको। तभी खा लेता है, हर टाइम खिलाना पड़ता है इसको। अब तो अच्छा खा लिया इसने। अगर मान लो इसको नहीं खिलाओगे, खाएगा ही नहीं, नहीं है कुनाली, आपको नहीं खिलाएंगे तो नहीं खाओगे। इतनी केयर तो मम्मी ने मेरी भी नहीं की ना, तो तुमने तो अपने आप खाते थे तुम। कितनी प्यार से खिला रही है मम्मी अपने हाथों से। तो अभी गाइस खाना खा के निकल पड़े, अब चलते हैं सीधा नॉनस्टॉप चंडीगढ़। तो अभी गाइस हम घुस गए पता नहीं किसी टनल में, और इसके अंदर देखो धुआं ही धुआं है, अजीब सी टनल है भाई, ये पहाड़ काट के बना रखे, देखो बहुत लंबी टनल है। यहाँ तो ओवरटेक कर रहे हैं सब, अलाउड नहीं है एक्चुअली, अलाउड नहीं है ना, फिर भी मैं तो मस्त 40 की स्पीड में चल रहा हूँ बस। गाइज ये देखो पहाड़ के ऊपर फ्लाईओवर बना रखा है, नीचे तो रोड है ही, ऊपर और बना रहे हैं फ्लाईओवर। गाइज ऊपर देखो वहाँ पे बन रही है टनल, टनल के लिए बन रहा है फ्लाईओवर, पहाड़ में छेद कर रखा है। खतरनाक रास्ते स्टार्ट हो चुके हैं, राइट साइड में पहाड़, पतली सी रोड और नदी। हे गाइज गुड मॉर्निंग, सो दिस इज द नेक्स्ट डे, अभी हमें चंडीगढ़ में। तो मैंने कल कुछ ज्यादा ब्लॉग भी नहीं करा, बिकॉज बहुत लंबी ड्राइव थी 10-12 घंटे की, तो रास्ते रास्ते क्या ही दिखाता। फिलहाल आज कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, तो अभी सुबह सुबह उठ के मैंने एडिटिंग करी, रात को आके सो गया था, इतना थक गया था ना, तो आज व्लॉग भी लेट है, आज 9 बजे व्लॉग आएगा। तो फिलहाल मैं तो रेडी हो चुका हूँ, मम्मी पापा दूसरे रूम में, साहिल, पीयूष, दिव्यांश दूसरे रूम में। बाय द वे गाइस नींद तो मेरी आज ही पूरी नहीं हुई है, हफ्ते से मेरी नींद पूरी है, मैं 2-3 घंटे ही सो रहा हूँ, ज़्यादा सो ही नहीं रहा मैं। अब घर जाके ना आज आराम से सोऊंगा यार। तो भी गाइस आ गए ब्रेकफास्ट के लिए, तो ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पे, कौन बड़ा इडली सांभर। तो भी गाइस ब्रेकफास्ट तो हो गया, अब चलते हैं सीधा हल्द्वानी, मम्मी पापा ने भी कर लिया ब्रेकफास्ट और सब ने। तो गाइस फाइनली निकलते हैं हल्द्वानी के लिए, दिन के 1 बज गए, काफी लेट हो गया यार,
अब रात को ही पहुंचेंगे 12 बजे। कल भी 10 घंटे ड्राइव किया था, आज भी 10 घंटे ड्राइव करना है। तो अभी गाइस भरवा रहे डीजल और हम पूरे एक हफ्ते बाद जा रहे हैं घर। भाई पता ही नहीं चला एक हफ्ता कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। तो अभी गाइस शाम के 5 बज चुके हैं, अब फिलहाल रुके कुछ खाने के लिए बिकॉज भूख लग रही है। और देखो अभी भी यहाँ से 244 किलोमीटर बाकी, 5 घंटे लगेंगे अभी भी। स्पेशली पीयूष को भूख लग रही थी। कुनाली आपको भूख लग रही है? लगे भूख? मेरे पास सस्ता पैसा, मैं खिलाऊंगा। क्या खिलाओगे? जो आप बोल रहे हो सब कुछ। पैसे कहाँ से आए? आप जिसमें से ले। अच्छा मेरे पैसे लेके मुझे ही खिलाएगा? मस्त दाल चावल ही खाएंगे, और तो क्या खा सकते हैं। तो अभी गाइस हमारा दाल चावल आ गया मस्त। तो अभी गाइस पोपट हो गया, दाल चावल खाने के लिए रुके थे, बासी दाल चावल मिले, मैं तो छोड़ के आ गया। और हमने कुछ बोला भी नहीं, क्या ही बोलते यार, हम दाल चावल रोज खाते हैं, हमको पता है दाल चावल कैसे होते हैं। भाई जैसे मुंह में डालो ना ऐसे लगा भाई इतना अजीब सा। साहिल ने भी छोड़ दिया, पीयूष ने भी, मैंने भी। कई ढाबों की ना यही दिक्कत रहती है, बासी बासी होता है। लेकिन अच्छा दाल चावल भी ढाबों पे ही मिलता है। एक्चुअली हमको खाना होता है सिंपल वाला दाल चावल, वो मिलता है ढाबों पे ही, तो इसलिए हम ढाबों पे रुकते हैं। जो रेस्टोरेंट वगैरह पे होते हैं ना, रेस्टोरेंट वगैरह पे मसाले वाली दाल चावल मिल टाइप के, वो फिर मजा नहीं आता खाने। तो अभी गाइस निकल पड़े हैं दाल चावल ढूंढने के लिए, कहीं अच्छे दाल चावल हमको मिल जाए। पीयूष ने तो 2 दिन से खाना नहीं खाया, पता 2 दिन से खाना नहीं खाया पीयूष ने। पीयूष लिक्विड पे जी रहा है 2 दिन से, क्यों वो मैं आपको घर जाके बताऊंगा क्यों। चलो फिलहाल दाल चावल ढूंढते हैं कहीं मिलते हैं तो, क्योंकि पीयूष ने कुछ भी नहीं खाया यार 2 दिन से। कितना बिल आया? 800 ओनली। फोकट के 800 रुपए दे के आए हम। दिल से बुरा लगता है यार जब फालतू के पैसे जाते हैं ना ऐसे। शाम के 6 बजने वाले हैं, सुबह ब्रेकफास्ट किया था हमने, तब से कुछ खाया ही नहीं है। तो फाइनली गाइस हरिद्वार पहुंच चुके हैं, आप सोच रहे हैं यहीं रुक के कुछ खा लेते हैं, हरिद्वार में मिल जाएगा सही खाना। तो अभी गाइस रुके हैं हरिद्वार, गंगा जी के दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं। आप भी आ रहे हो क्या? आप भी आ रहे हो? तेरा मुंह पूरा चेंज हो गया। ये वाला ज्यादा ठीक है, ये ले लो, ये ज्यादा ठीक है। तो अभी फिलहाल गंगा जल भरने के लिए कैन ले रहे हैं, तो यहाँ पे कैन है भाई, कितने मस्त नहा रहे हैं सब। तो अभी गाइस गंगा जल हमने भर लिया है इसमें। तो हरिद्वार रुके थे गंगा जल लेने के लिए, गंगा जल ले लिया है और मैंने अपने आंखों में पानी वाले, आंखों में बहुत जल रही थी, सोया नहीं हो ना मैं, तो इतना अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा गंगा जल मार के आंखों में। तो चलो अब चलते किसी ढाबे पे कुछ खाएंगे पहले, और उसके बाद चलेंगे सीधा हल्द्वानी। तो भैया इस रात के 8 बज गए हैं, अब फिलहाल रुके हैं सही वाले ढाबे पे, यहाँ पे हम पहले भी रुके थे, इतना मस्त दाल चावल मिलता है यहाँ पे। तो चलो हमारा खाना आ चुका है, मस्त दाल और चावल, लेकिन ये बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल ताजा ताजा। हे गाइस सो दिस इज द नेक्स्ट डे, और फाइनली हम हल्द्वानी पहुंच गए थे, कल रात को 2 बज गए थे हमको। और हमारे साथ रास्ते में क्या क्या हुआ वो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, वो इससे अगली वीडियो देख लेना। देखो इसके मुंह में, देखो इसका मुंह पूरा सूजा पड़ा है, तो इसका मुंह क्यों सूजा पड़ा है और क्या हुआ हमारे साथ में, उस कम्प्लीटली एक वीडियो में बता देंगे, क्योंकि मतलब बहुत कुछ हुआ यार बहुत। तो हाँ फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, घर आ चुके हैं, लेकिन घर आने का मैंने कुछ मैंने ज़्यादा शूट ही नहीं करा, थोड़ा सा व्लॉग बनाया, 3 दिन का एक व्लॉग बनाया देख लो मैंने, कुछ ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं। तो हाँ आई होप आपको पसंद आया होगा, फाइनली घर पहुँच चुके हैं सही सलामत, और क्या हुआ था वो आप देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मधुमक्खी ने काट लिया? नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया। मधुमक्खी का नहीं काटा यार।